नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली न्यूज़ अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डेली न्यूज़ अलर्ट लेकर आए बड़ी खबर। तो उपचुनाव के मद्देनज़र कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान आमने सामने, इसमें किसानों को होगा कितना फ़ायदा, तो जानिएगा दोस्तों बड़ी खबर। लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया जिले के भांडेर में हुई चुनावी सभा में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्हें चंबल ग्वालियर का असली गद्दार तक कह दिया। इसके साथ ही 42.8 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 16.64 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने भांडेर से उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रक्षा सिनोरिया को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प भी दिलाया। तो बड़ी खबर दोस्तों, देखिए विस्तार से किसानों के लिए कितना होगा फायदा, इस खबर से जानिए। तो बिजली बिल माफ हो गए, बड़ी खबर। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने सभी योजनाएं बंद कर दी थी। दिग्विजय और कमलनाथ को तकलीफ क्या थी, अब यह भी सभी चालू होगी। वह तो गरीबों के 5,000 रुपये के कपन का पैसा भी खा गए। अब शिवराज सिंह चौहान आ गया है, खाली हाथ नहीं आया है, 13,000 भाइयों बहनों को लाभ देने आया है। हम जनता के लिए राजनीति करते हैं। अगले महीने से 1 ही महीने का बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा, बिजली के पिछले सारे बिल खत्म कर देंगे। तो बड़ी खबर दोस्तों, ये लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए देखिए, 1 रुपये में अनाज मिलेगा। शिवराज ने कहा कि जितने गरीब भाई बहन हैं, हमने उनके लिए 1 रुपये किलो की अनाज योजना बनाई है। तो लिख लें ये बात, 16 सितंबर को 2 दिन के 12 बजे 1 रुपये किलो गेहूँ देना शुरू कर दिया जाएगा। कोई गरीब अब मध्य प्रदेश में भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश में गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। हम कुर्सी पर बैठकर सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं बने। सभी भर्तियों पर रोक हटा दी जाएगी, पुलिस भर्ती परीक्षा भी जल्दी होगी। तो बड़ी दोस्तों बड़ी खबर, युवा चेहरा दिखाकर खुद दूल्हा बन गए। तो शिवराज ने कहा कि 2018 में उन्होंने, कमलनाथ ने सिंधिया के नाम पर वोट मांगे, उनका चेहरा दिखाकर आए थे और खुद ही दूल्हा बन गए। कमलनाथ ने तो कभी गांव की कलियां नहीं देखी, न तो खेत की पगडंडी देखी, गरीबी और बीमारी नहीं देखेगी। वह तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे। आज मैंने अखबार में पढ़ा, सोयाबीन के खेत में गए हैं, धन्य है कमलनाथ, जब कुर्सी पर थे तो कुछ नहीं देखा, अब कुर्सी नीचे से खिसक गई तो सोयाबीन के खेत जा रहे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नज़र ना लगे, बड़े ही मजाक के अंदाज में। तो बता दें आपको बड़ी खबर दोस्तों, तो मामा शिवराज आ गए हैं, धन की कमी है लेकिन किसान गरीब और नौजवानों को पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। सिंधिया ने सरकार गिराई लेकिन इसलिए नहीं कि वह राजनीति करना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए कदम उठाया। मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था लेकिन सिंधिया ने कहा कि यह पूरे प्रदेश को बचाना है, इसलिए आपके विश्वास के कारण मैं मुख्यमंत्री बना। सबके लिए जरूरी है कि सरकार बनी रहे, सभी तरफ से बोलो कि सरकार बनी रहे, जब रक्षा जीतेगी तो भाजपा की सरकार रहेगी। तो बड़ी खबर दोस्तों, बता दें कि गद्दार दिग्विजय और कमलनाथ है, तो राज्यसभा सांसद सिंधिया ने भी कमलनाथ और दिग्विजय पर जमकर निशाना साधा। काम में 13 साल की उम्र में भांडेर आया था, यह राजनीतिक संबंध नहीं है, जीवन पर्यंत सेवा करता रहूंगा, एक सरकार ने सत्ता का खेल खेला। मध्य प्रदेश में हमारी भी सोच थी कि 15 साल विपक्ष में रहने के बाद शिवराज सिंह ने विकास की जो लंबी लकीर खींची है उसे लंबी हम करेंगे। सिंधिया परिवार के मुखिया को कभी भी राजनीति और कुर्सी से मोह नहीं है। आपने पिछले चुनाव में कांग्रेस को केवल अपना वोट ही नहीं दिया, अपना प्यार दिया, दिल दिया और विश्वास भी दिया। पहली बार यहाँ की 34 में से 26 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ यहाँ से बने, ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने 15 महीने में बल्लभ भवन से बाहर कदम नहीं रखा। गद्दार हम नहीं है, सुन लो, गद्दार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, इस बार जनता उन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, और आगे बता दें आपको कि इंदौर से खबर निकल कर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के प्रचार में कूदे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो रविवार को कहा कि उनकी अगुवाई वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने सूबे में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली चुनौती भी दी कि वे उनके दावे का खंडन करके दिखाए। तो जनसभा को संबोधित किया, कमलनाथ जिले के सांवेर क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद बोरोसी गुड्डू के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अर्जुन बड़ौदा गाँव में आयोजित सभा में कहा, मेरी सरकार ने राज्य के 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। मैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुलेआम चुनौती देता हूं कि वह मेरी इस बात का खंडन करके दिखाए। मुख्यमंत्री चौहान पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप भी लगाया। तो कमलनाथ ने कहा कि दल बदल कर भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया इन दिनों कांग्रेस खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में रहने के दौरान वह किसान कर्ज माफी को लेकर उनकी अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ करते थे। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री चौहान पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए कहा, मैंने मुख्यमंत्री रहने के दौरान घोषणाओं की राजनीति कभी नहीं की। तो बड़ी खबर दोस्तों, तो क्या इस उपचुनाव से किसान भाइयों का
फायदा होगा। इसमें का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी राय में शिवराज सरकार या कमलनाथ सरकार कौन सी सरकार बननी चाहिए जो कि किसान हितैषी सरकार हो। तो बड़ी खबर दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा और आपके लिए बेहतरीन खबरें लेकर आता रहेगा डेली न्यूज़ अलर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।